प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः मैथमेटिक्स के अंतर्गत। क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स के अंतर्गत नया टॉपिक आप देख रहे हैं, द्विघात समीकरण हमारा चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि इस टॉपिक को आपने समझ लिया ध्यान से, तो यहाँ से दो अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो अंकों का क्वेश्चन यहाँ पे करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यदि आपने ध्यान से समझ लिया तो ये सवाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात ये टॉपिक जो आज हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो दो अंक आपके कंप्लीट कर देगा, दो अंक की मजबूती आज ही आपको प्रदान करेगा। और निश्चित रूप से जब आपकी ये समझ में आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि इस तरह के बहुत सारे सवालों का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं टॉपिक क्या है आज हमारा। हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना जबकि समीकरण का मूल ज्ञात हो। ध्यान रहे, कोई भी द्विघात समीकरण होगा और द्विघात समीकरण का एक मूल आपको दिया गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक मूल यहाँ पर दिया गया होगा और एक अज्ञात राशि होगी द्विघात समीकरण में, और वो अज्ञात राशि का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो अज्ञात राशि और एक मूल, ये दो बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहला सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल में कहाँ तक ये बात सही साबित होती है, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ एक्स आप देखिए ये चर राशि है और टू और थ्री ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वह संख्या है, लेकिन यहाँ जो के लिखा हुआ है ये अज्ञात राशि है। यहाँ पर जो के है वो अज्ञात राशि है और के का मान ही हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक मूल आपको दिया गया होगा, यहाँ पर x का मान दिया गया, x इज इक्वल टू टू, ये एक मूल यहाँ पे दिया गया है। और ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और एक मूल जो दिया गया है वो x इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं दो है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि चूँकि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, लेकिन अगर एक मूल उसमें दिया गया है सवाल में, तो मूल का मतलब ये है कि वो जो वैल्यू है वो उस द्विघात समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगी। तो ये इसी पॉइंट का हम यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे। तो एक्स इजिकल टू टू है, तो एक्स इजिकल टू टू समीकरण में रखने पर, चूंकि एक्स इजिकल टू टू द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तो इसलिए एक्स का मान जो यहाँ पे दिया गया होगा, मूल जो दिया गया होगा, वो हम द्विघात समीकरण में पुट कर देंगे तो उससे हम आसानी से रिजल्ट ला पाएंगे जैसा कि हमें यहाँ पे चाहिए होगा। अर्थात के इंटू एक्स की वैल्यू टू है, तो टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये फोर हो गया, प्लस दो दूना चार ये भी, माइनस का थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं ये फोर के और चार से तीन घटाएंगे तो आपको मालूम है कि एक बचेगा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फोर के वन को हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा, के इज इक्वल टू आपको मालूम है ये फोर अपान में आ जाएगा, वन अपान फोर, यानी के इज इक्वल टू माइनस वन अपान फोर, दिस इज आंसर, यानी के की वैल्यू आ चुकी है। दो नंबर का ये सवाल ज़्यादा ईजी होता है तो एक नंबर में भी पूछ दिया जाता है, अदरवाइज दो नंबर का ये क्वेश्चन है और दो नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इस तरह से एक और सवाल हम लोग देखेंगे ताकि आपको कंफर्म हो सके वास्तव में ये इजी सवाल होता है। तो दूसरा सवाल आप देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, कई बार इस तरह का सवाल बहुविकल्पी में भी रख देते हैं कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू जीरो,
का एक मूल माइनस दो हो तो पी का मान होगा, और चार आपको विकल्प दिए गए होंगे तो पी का मान वो थोड़ा सा सॉल्यूशन करके सॉल्व करके आपको निकालना होगा। तो एक नंबर में एक क्वेश्चन बन जाता है, ज़्यादा इजी होता है तो एक नंबर का ही क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन आता जरूर है, 100% गारंटी है इस बात की। टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे द्विघात समीकरण हमें दिया गया है। तो इसका मूल एक हमें दे दिया गया, मूल यहाँ पे क्या है ये हम देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू मूल हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, और इसलिए जब सेटिस्फाई करेगा तो हम एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो माइनस का टू है द्विघात समीकरण में रखने पर, सिंपल सी बात रखने पर, तो x x इज इक्वल टू माइनस टू यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ माइनस टू पुट करेंगे, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस का टू माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। माइनस दो का स्क्वायर आप सभी को मालूम है, प्लस का फोर हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू आपको मालूम है ये माइनस का फोर हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, पी को हम साइड चेंज कर लेते हैं तो फोर माइनस फोर आपको मालूम है जीरो है, और पी यानी कि पी इज इक्वल टू जीरो, तो पी का मान यहाँ पे जीरो हो गया। और इस तरह से आपने देखा कितना इजी टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर एक नंबर का भी ये क्वेश्चन आता है तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम एक ही दिन में कुछ मिनट के अंदर, पाँच मिनट के अंदर आप एक नंबर अगर गेन कर पा रहे हो, सीख रहे हो एक नंबर, तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, नए टॉपिक में हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, इसी के अगले टॉपिक में कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, और कैसे हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे उन विधियों का यूज करके, ये हम अगले टॉपिक अगले टर्न पर आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।